धन इंडिया। जी दादाजी जी, बस वहां पे आप किसी को भी पूछ लीजिए धर्मशाला कहाँ है, वो आपको आके बता देगी। वहीं से लेफ्ट में ही जी, आप सीधा सीधा आइएगा। और अरे क्यों काम बढ़ा रहा है मेरे भाई, मुंह मत देख, तू जल्दी पहुंच, जल्दी पहुंच। हाँ जी चाचा जी, झूले राजा कैसा लग रहा है यार? वो क्या लग रहा भाई? आए की मुबारकबाद यार, आए की मुबारकबाद, वक्त से आने का। अरे यार इनकी वजह से लेट हो गया यार, पता ना तुझे। चलो चलो अभी अंदर बहुत काम है, आ जाओ चलो। अबे शर्म करो, ये गेस्ट के लिए भी थोड़ा कुछ बचा के रखना, खुद मत खा जाना। अरे बैठना बैठना, तू भी खा, तू भी खा, बैठ बैठ। ओ हेलो दूल्हे राजा, मैं हूँ, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दे यार, आजा। अरे देवदास आजा, माना कि तू धोखा खा चुका है, आजा हमारे साथ ज्वाइन कर ले, आजा। भाई कल वो शादी के खिलाफ रहता है। क्यों? धोखा खा चुका है लाइफ में। ये जो शादी की तुम बात कर रहे हो ना, शादी नहीं है, फांसी का फंदा है वो। बेटा जब फंसेगा ना गले में, पता चलेगा तुम्हें। भाई ये फांसी का फंदा हमें तो बिल्कुल ही मंजूर है। और हाँ, जिस दिन शिल्पा जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लाइफ में आई ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। क्यों भाई? एक काम करना, इसको ना भाभी का फोटो दिखा दे तू लाके, इसको भी तसल्ली मिल जाएगी। जा जा जल्दी लेके। चलो लेकर आ। अरे भाई कहाँ गए? आई प्रेजेंट यू द डायमंड ऑफ माई लाइफ शिल्पा। देखो देखो यार। ए देवदास देख, हाँ देख लो भाई। अबे दूरबीन से देखूंगा क्या? बस आके दिखा। द डायमंड ऑफ माई लाइफ शिल्पा। ए भाई ना? क्या हो गया? भाभी कैसी लगी? अबे कुछ तो बोल, मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी जब मैंने इसे पहली बार देखा। चलो बेटा जल्दी, लेट हो रहे हैं। जी जी आया माँ, जल्दी कर रहा। वो फूल वाले का सामान लेना यहाँ पे। और हाँ टाइम पर आना फंक्शन पे, शाम को तो मैं मार दूंगा। पका पका पका, चलो बाय, टेक केयर, बाय। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति प्रवाह स्वस्ति नः पूक। अरे जल्दी चला, लेट हो जाएंगे यार। दिख रहा तुझे, तो देर क्यों लगाता है? तू क्यों देवदास बना बैठा है? चला बोलने मत। तारको वरिष्ठ नेमी स्वस्ति नो बृहस्पत तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम त्रिकदशवा मरुतः वृषनि मातरा। यार गाने तो सुना दे। आजकल ऐसे ही होता है। जी जी। और आपका अरेंजमेंट जो था ना बहुत ही बढ़िया था। आप देखते जाइए, शादी में तो इससे भी और अच्छा इंतजाम करेंगे। बहुत खूब, बिल्कुल, और नहीं तो क्या, हमारा इकलौता बेटा है, बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। ये लीजिए, मेरे दोस्त भी आ गए, जल्दी आओ, मुंह क्या देखो, जल्दी आओ। क्या हाल है? ये है मनोज, विकी, नमस्ते, और भव्य, नमस्ते। अबे शर्मिले आ गया ना, कैसी लगी तुझे तेरे गाँव? नमस्ते भाई साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, देर से ही सही, इतनी सब लोग आते हो गए ना, पता नहीं मुलाकात होती है नहीं। आइए। अरे भाई क्या हुआ था कि उस आदमी को बुलाया था लेकिन वो लैन पेट में चूहे दौड़ रहे। आखिर ये क्या माजरा था, क्यों द्वंद के भंवर में डूबता जा रहा था भंवर? क्या वाकई शिल्पा वही लड़की थी जिसके साथ भंवर के संबंध थे? और अगर ऐसा था तो फिर शिल्पा उसे पहचान क्यों नहीं रही? कहीं ये महज भंवर की गलतफहमी तो नहीं थी? हो सकता है शिल्पा सिर्फ उस लड़की की हमशक्ल हो जिसे भंवर जानता था,
ये सारे सवाल अब भंवर को शूल की तरह चुभने लगे थे और उसे किसी भी सूरत में इन सवालों के जवाब चाहिए थे। बढ़िया ही है। भाई क्या बात, क्या तुमने तो जब से शिल्पा को देखा कुछ देवदास देवदास से लग रहे। कब से जानता तू शिल्पा को, मतलब कहाँ मिला, कहाँ उससे? भाई बताओ मैं इसको, ये भाभी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और शादी पे बुलाइयो मत तू इसको, पहले बोल रहा हूँ। यार शिल्पा है ही ऐसी चीज, जो भी उसे देखे ना बस विदा हो जाता है, मेरे भाई विदा हो जाता है। ये अबे देवदास कहाँ जा रहा है यार, महफिल अभी शुरू है, आजा। यार मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। यार ये तो जवानी में बुड्ढा हो गया, नाचो। नीतू कौन है आप? नीतू कौन है तुम? कोई है जॉन, अंकल जी कौन है? पता नहीं कोई तो भी अभी गुस्सा था, मुझे छेड़ रहा था। आ गया, पता नहीं कौन है, मैं कौन आया यहाँ? आ गया कोई है? अरे भाई डांस करने दो, मुझे ये सब नहीं आता। भाभी को लेके आ जाए, चलो भाभी को लेके। मेरी बात सुनो। अरे भाभी, मेरा मतलब होने वाली भाभी, चलिए ना आप डांस कीजिए ना हमारे साथ में। अरे नहीं 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 आंटी, आप चलिए, नहीं तो उठा के ले जाएंगे। चलिए 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 भाई, अब तो डांस ले भाई, भाभी आ गई, चल अब तो डांस कर। भाभी प्लीज प्लीज, जो चलेगा भाभी आपको डांस करना ही होगा। देखो बच्चों, हमारे जमाने में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के सामने भी नहीं आते थे। अच्छी, वो आपका जमाना था, ये हमारा जमाना है, ठीक है? भाभी आपको डांस करना पड़ेगा। बेटा ये मॉडर्न, मैं मानती हूं मॉडर्न जमाना। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको डांस करना पड़ेगा भाभी। शिल्पा आप अपने कमरे में जाके रेडी हो जाओ, भाभी आपको डांस करना पड़ेगा। भाभी शिल्पा आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं आपको डांस करना ही है। शिल्पा
एकदम चुप। ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम बाहर, इसको बंद करो। चक्कर क्या है नीतू? नीतू? कौन नीतू? भाई साहब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। तुम शोर मचाओगे नीतू? शोर तो अब मैं मचाऊंगी। शिल्पा क्या हुआ? माँ वो एक्चुअली डांस के लिए फोर्स कर रहे थे। डांस? फिर से डांस? ये भगवान, देख मेरे बाप, हमें डांस नहीं आता, हम माफ भी कर दे और चल बाहर, बहुत काम, चल आ जा। और मैडम तुम्हें क्या हो, इतनी रुकी सुखी क्यों लग रही? देखो शाम का बहुत बड़ा फंक्शन, तैयार व्यार होके रेडी हो जाओ। चल आ जा। अरे जल्दी करो, रेडी होना है। नहीं तू बंद करो यार पर्दा, सोने दो थोड़ी देर। अच्छा अगर तुम सोते रह गए तो ये चाय कौन पिएगा? चाय का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। मुझे तो कुछ मीठा खाना है। कोई आ जाएगा प्लीज, सामने तो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सुनो, शिल्पा और नीतू में इतनी समानताएं थी कि दोनों के बीच फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन था। लगता था मानो ये दोनों किरदार एक दूसरे के प्रतिबिंब हों। लेकिन नीतू थी कौन जो भंवर की जिंदगी में आई थी? क्या शिल्पा और नीतू दो अलग अलग किरदार थे या फिर एक ही किरदार के दो अलग अलग नाम थे? इन उलझे हुए सवालों ने केस को तब और उलझा दिया जब भंवर के साथ एक हैरान करने वाला हादसा या यूं कहें कि हमला हुआ। पापा मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, बीवी थी वो मेरी, अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं उसको। अबे एक एक पल याद है मुझे। अब वो शिल्पा नहीं नीतू है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। देख बेटा अगर ये वही लड़की है तो तू उससे बच के रहना, बहुत खतरनाक लड़की है वो, याद है ना कैसे बर्बाद करके गई थी वो हमको? याद है बाबा, लेकिन इस बार की लगाम मैं खींचूंगा। जो ये चाह रही है ना बाबा, मैं वो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जो इसने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। अरे देखो इधर क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, देखिए FIR तो मैं लिख लूंगा, लेकिन इस तरह का अटैक कहीं आपका इस शहर में कोई दुश्मन तो नहीं? नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, इसको तो कोई जानता तक नहीं है इस शहर में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इसके साथ कोई क्यों करेगा। ठीक है, हो सकता है फिर ये लूटमार का ही मामला हो। जरा आप लोगों के लिए नया शहर है, जरा रात बिरात सोच समझ के निकलिए। अच्छा नाम बताइए। भंवर श्रीवास्तव। उम्र क्या है आपकी? 28। अरे चलो चलो जल्दी करो, वैसे भी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, चलो जल्दी करो जल्दी करो। राजन मैं भी चलता हूँ यार साथ। अपनी हालत देखिए, चुपचाप घर में बैठ के आराम करो, समझे? अकेला बोर हो जाऊंगा यहाँ, चलता हूँ साथ। तुमसे बात तो करने हो नहीं रहा, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दिया खाओ और चुपचाप आराम करो, समझ में आया? आता हूँ ना साथ। चल चल आजा, पट्टियाँ शट्टियाँ देखे, लड़कियों का इमोशन जीत लेगा और फिर अपनी भाभी है। चल आजा जल्दी, आ पहले लेट हो गए। आजा अच्छा मैं अभी आता हूँ, थोड़ा काम है।
और बेटे के सारे दोस्त। आप भी भाई साहब, डरा दिया था आपने तो मुझे। मैं समझ गई, आप और राजन मिलके मुझे डराना चाहते हैं ना। ये नाटक बंद करो यार। पहले गुंडे भेजकर मुझे जान से मारने की कोशिश करती हो और अपनी भोली बन रही हो। पूरी दुनिया को धोखा दे सकती हो तुम, मुझे नहीं। देखिए भाई साहब, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मैं नीतू नहीं हूँ, मैं शिल्पा हूँ। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी? छोड़िए, बीवी को पहचानने में किसी को गलत फहमी नहीं हो सकती है नीतू। छोड़िए, नीतू मैं बोल तो मेरी बीवी, तुम बोलो कि तुम नीतू हो। मैं नीतू नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा ना मैं शिल्पा हूँ। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तकलीफ तो तुमने मुझे दी है नीतू, ऐसी तकलीफ मैं कभी नहीं बोल सकता। अरे कि मैं नहीं जानता कि तुम ही नीतू हो। अरे हिम्मत, इतनी देर से मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि तुम राजन के दोस्त हो। मैंने तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है, मैं जान चुकी हूँ तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। कितना झूठ बोलेगी तू नीतू, मैं जानते नहीं हो कि तुम्हारे बारे में। अरे तुम्हारा टच, तुम्हारी आवाज सब नीतू जैसी है। मैं जानता हूँ कि तुम ही नीतू हो, कैसे हो सकती है कि तू शिल्पा है। अरे अभी भी बोलते सच कि तू नीतू है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम बोलो कि तुम ही नीतू हो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कह रहा हूँ कि आखिरी बार तुम मरो। बचाओ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ, लड़का मेरे से जबरदस्ती कर रहा था। अंकल ये आपको धोखा दे रही है, आप जानते नहीं इसके बारे में क्या चीज है ये, नौटंकी कर रही है अंकल ये। अंकल जी ये तो वही लड़का है जो उस दिन रात को हमारे घर पर गुस्सा था। हाँ, तू मेरे घर में घुसा कैसे? हाँ, इसे बोल ले। अंकल मेरी बात तो सुन रही है। तू अभी पुलिस स्टेशन जाएगा। जाओ पुलिस स्टेशन। बेबे को जाओ पुलिस स्टेशन। अरे शिल्पा ने तो मुझे पहले ही बोला था कि तुम उसे घूरते रहते हो, पर मैंने शिल्पा को बोला सर, मैंने बोला कि जरूर उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मत मेरी मारी गई थी, मेरी मत मारी गई थी, जो इसे पहचानने में इतनी बड़ी भूल कर दी मैं। राजन वो शिल्पा नहीं है यार, कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम सबको। राजन वो नीतू है, मेरी बीवी थी वो, मेरी एक्स वाइफ। तू नहीं था मेरी शादी पे इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। समझ राजन, तेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तू मान ले मेरी बात। गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में? अब तुम उसको अपनी बीवी बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरा दोस्त बोलते हो। इंस्पेक्टर साहब, इसे आप अंदर डाल, अभी के अभी अंदर डाल। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मेरी बात सुन राजन। राजन मेरी बात सुन, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तुझे? इधर देख राजन, इधर देख। देख राजन, मुझे बस एक मौका दे दे, मैं सबूत लाकर दिखाऊंगा तुझे। मेरे पास मेरी और नीतू की शादी की सारी फोटोग्राफ पड़ी है, बस एक मौका दे दे मुझे, बस बस एक मौका दे, मैं सबूत लाकर देता हूं तुझे। भंवर, बेटा 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 क्या हुआ भंवर? बेटा बात तो सुन भंवर। भंवर क्या हुआ बेटा? ढूंढ क्या रहा है बेटा? अरे भंवर, सही यहीं पर तो रखी थी। भंवर बेटा क्या ढूंढ रहा है बेटा? क्या ढूंढ रहा है बेटा? बेटा बता दो सही। अरे इसे, अरे ये क्यों? अरे अब देखता हूँ कैसे बचेगी तू। और बेटा एक बार फिर से सोच ले बेटा। बेटा बेटा वो लोग जो कुछ हमारे साथ कर चुके हैं, उसके बाद तू क्यों उनसे झगड़ा मोल लेना चाहता है? अगर वो लड़की नीतू ही है
तो बहुत खतरनाक है बेटा। बेटा तू मेरी बात तो सुन बेटा। मैं राजन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा पापा। और तुमने जो हमारे साथ किया ना उसकी सजा तो उसको मिलकर रहेगी पापा। बेटा क्या करने जा रहा है बेटा? बेटा भंवर, बेटा ये सब क्या था? क्या वाकई शिल्पा नीतू ही थी? अगर थी तो उसने ऐसा क्या किया था भंवर के साथ कि भंवर उसे माफ करने को तैयार नहीं था? और क्यों नीतू ने अपना नाम बदलकर शिल्पा रखा? ये उलझन भरे सवाल सिर्फ भंवर को ही नहीं राजन को भी उलझा रहे थे, क्योंकि जिस औरत को करीब से जानने का दावा भंवर कर रहा था वो दरअसल राजन की होने वाली पत्नी थी। कैसे दोस्त बनाए हैं तूने, आए तो कितने प्यार से और अब देखो। छी छी। लेकिन तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसके पास कोई सबूत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस आएगा। भगवान करे वो वापस आए ही ना। शादी सर पे है और मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा खड़ा। राजन तुम फिर आ गए सबूत के साथ। चल राजन मां चिंता मत करो मैं आ रहा हूं। यार इन दोनों की शक्लें तो एक जैसी। एक जैसी नहीं एक ही। और तुझे ये लगता था कि मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? यार अभी भी मौका तेरे पास, रोक दे शादी यार। अरे क्या बकवास कर रहा है यार, ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ दोनों की शक्लें सेम। यार शक्लें सेम हो सकती है लेकिन आवाज नहीं। क्या चल रहा है यार? एक साल रहा उन्होंने, अच्छी तरह पहचानता हूँ उसको। विश्वास कर ले मेरा यार, वो शिल्पा नहीं है, नीतू है। नीतू अरे आप यहाँ? हाँ वो जरा यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल जस्ट बाय द वे। अंदर आइए। अब मीनू राजन आए हैं, चाय बना कर लेकर आओ। बैठी आप भी बैठिए। क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? एक्चुअली मैं अपनी दोस्त की तरफ से तुम्हें सॉरी बोलने आया था। मैं जानता हूं कि तुम बहुत हर्ट हो, पर गलती उसकी नहीं। क्या है कि उसकी जगह पे कोई और होता तो वो भी यही करता जो उसने किया है। मतलब ये कि उसकी एक एक्स वाइफ है, उसका नाम है मीतू, उसकी शक्ल तुम्हारी तरह ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है क्या? हुआ है। एक मिनट रुके, थोड़ा उधर जाइए। ये देखिए, ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही हूं इन पिक्चर्स में। मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ। कमाल है नहीं? हेलो जीजू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बस एकदम ठीक। मेरी स्पेशल चाय तो लाए हो ना? बिल्कुल। जरूर। ये तो कमाल है, बिल्कुल मेरी ही जैसी है ये तो। I mean, God is amazing. कैसे मेरे जैसी दिखने वाली है ये तो। आप एक काम कीजिए, आप चाय पीजिए। थैंक यू। अब मुझे समझ में आया, उसने जरूर मुझे नीतू समझ लिया होगा। पर उसे समझाना होगा ना कि मैं नीतू नहीं शिल्पा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप उसे यहाँ बुला लीजिए, है ना? बिल्कुल। ये देखिए, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरी स्कूल की मार्कशीट और ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड। कोडिंग दीजिए, रख दीजिए। देखिए भाई साहब, इन सब में मेरा ही नाम है, शिल्पा। अरे मेरे बाप,
तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? हाँ, नीतू के मॉम डैड को तू जानता है और शिल्पा के मॉम डैड को तू मिल चुका है। ये दोनों अलग अलग शख्सियत है मेरे भाई, समझ में आया? मुझे इन कागज पर भरोसा नहीं है। ये कागज नकली भी बनाए जा सकते हैं। राजन, मैं मानता हूँ कि दो लोग सिमिलर हो सकते हैं, पर वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। इसका टच, इसकी आवाज, अरे यार ये नीतू है, नाटक कर रही है। इतनी देर से मैं तुम्हें बर्दाश्त करी थी कि तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो मकसद ही कुछ और है। शायद तुम मुझे पसंद करने लगे हो ना। शिल्पा, राजन ये नौटंकी कर रही है। देख राजन, मेरा घर तो ये बर्बाद कर चुकी है, तो मैंने कसम खाई है कि तुझे और तेरे परिवार को इसका शिकार नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। क्या हो गया था भंवर को जो वो शिल्पा के दिखाए दस्तावेजों को भी नकार रहा था? नीतू, जिसकी शक्ल शिल्पा से मिलती थी, आखिर उसने भंवर और उसके परिवार का ऐसा क्या नुकसान किया था जो भंवर इतने गुस्से में था? क्या सच में शिल्पा के पास फर्जी दस्तावेज थे, या फिर भंवर ही किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुआ था? अरे आ रहे हैं बाबा, कहिए। जी, यहाँ नीतू रहती थी कुछ साल पहले, आप जानते हैं कुछ? हम किसी नीतू उतू को नहीं जानते हैं। यहाँ तो कितने लोग आते हैं जाते हैं, हमें तो आए हुए बस 2 ही महीने हुए हैं। आप चाहे तो मकान मालिक से जाके पता कर लीजिए। जी, पता मिल सकता है मकान मालिक का? हाँ ठीक है, लिख लो। जी, एक मिनट। जी नमस्कार। जी कहिए। जी आपकी एक किरायेदार थी नीतू, मैं उसका हस्बैंड हूँ भंवर। आप आइए अंदर। फोटो देख के मैं पहचान तो गया हूँ, लेकिन कुछ सालों पहले वो मेरे ही घर में रहती थी अपने माँ बाप के साथ। अभी कहाँ रहती है, पता है आपको कुछ? अरे भाई, मैं मकान मालिक हूँ, कोई उनका रिश्तेदार तो हूँ नहीं। अब यहाँ से वो लोग कहाँ गए क्या पता? देखिए, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है जानना। अब ये समझ लिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज अगर कुछ हो सके तो। देखिए आप रिलैक्स रहिए, मेरे पास उनका एक एग्रीमेंट है जिसमें उनका परमानेंट एड्रेस लिखा है, मैं वो लेकर आता हूँ। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाइए, चाय पीजिए ना, मैं भी आता हूँ। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, एग्रीमेंट में जो परमानेंट एड्रेस है वो यहीं का है। बेटे 40 साल पहले यहाँ ये मकान मैंने बनवाया है, इस नाम का व्यक्ति यहाँ कोई रहता ही नहीं। पापा, पापा उन्होंने जो परमानेंट एड्रेस दिया था वो गलत है, उन्हें यहाँ कोई भी नहीं जानता। भंवर, मेरा कहना मान बेटा, इसे छोड़ दे। क्यों क्यों अपना वक्त खराब कर रहा है? प्लीज पापा, पापा एक बात बताइए, हमारे पास जिस मैचमेकर एजेंसी से रिश्ता आया था उसका एड्रेस है क्या आपके पास? हाँ बेटा लिख। हाँ बोलिए। ये रसूल बाजार, काला देवी स्ट्रीट। ठीक है पापा। हाँ ओके। हाँ बोल। तेरा शक अब तक दूर नहीं हो गया यार, फिर फोन कर रही है। राजन सुन ना यार बात, अच्छा ये बता तेरे पास शिल्पा का रिश्ता कहाँ से आया था? शिल्पा का रिश्ता वो मैरिज ब्यूरो से आया था यार। नाम क्या उसका? वो थैंक यू। हेलो, May I help you? जी, वो कुछ लोग आने वाले। ओके, ठीक।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। साहब से कहिए उनसे मिलना है। जी। ये तो नीतू के पिता हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो साहब अभी नहीं मिल सकते, वो थोड़ा बिजी है। आपके साहब को कहिए कि विनोद सिन्हा मिलने आया है। अब जी नमस्ते। नमस्कार जी, मैं विष्णु प्रसाद सक्सेना अपनी बेटी नीतू के लिए एक लड़का देख रहा हूँ। उसी सिलसिले में मैं मैरिज ब्यूरो गया था और उन्होंने आपका पता दिया, कहा कि बहुत ही अच्छा लड़का है आपका। अरे और कितने बार आना होगा? मेरा पेमेंट ड्यू है, और कितना वेट कर सकता हूँ मैं? अब बोल दिया मंडे को आइए। उनसे कहिएगा अब की बार जब मंडे को आऊंगा ना तो पेमेंट लेकर ही जाऊंगा। ध्यान से जी। सर आगे बोलो। मैं देख के आता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। अब ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था कि विनोद सिन्हा और विष्णु प्रसाद भी हमशक्ल थे। भंवर की तहकीकात इस मुकाम पर आकर आकार लेने लगी थी। नीतू के परमानेंट एड्रेस का झूठा निकलना, राजन और भंवर को एक ही मैरिज ब्यूरो से प्रपोजल आना और फिर नीतू के पिता की दो पहचान, ये साफ जाहिर था कि भंवर किसी भ्रम का नहीं किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ था। किसी ने गलत रिपोर्ट लिखवाई होगी सर मेरे खिलाफ। मैं सच कह रहा हूं, मैंने लिखवाई है तेरे खिलाफ रिपोर्ट। विष्णु प्रसाद सक्सेना और विनोद सिन्हा। अब तू सीधी तरह से बताता है या तेरी खातिरदारी और करूं? सर एक मिनट। बंद करो म्यूजिक। तू फिर आ गया? देख मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, यहां से चुपचाप चला जा, वरना इस बार तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ये याद रख। बचाने तो मैं तुझे आया हूं राजन, इस बर्बादी से। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। लेकिन मैंने क्या किया? नीतू सक्सेना उर्फ शिल्पा शाह उर्फ गीतांजलि बोस तुम ही हो ना? गिरफ्तार कर लो इसे। चलो बैठाओ इसे, यहां बैठाओ, बैठो चुपचाप। बयान दो, हम तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहते हैं, बताओ। तब मेरे को क्या पूछते हो? मैं तो बस एक छोटा सा मोहरा। पकड़ना है तो वो मनोज को पकड़ो, उसका ये खेल पूरा। मेरा काम सिर्फ एक्टिंग करने का है और कुछ नहीं। मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं इस ठग के खेल में। जब मैरिज ब्यूरो में कोई इंक्वायरी आती है तो लड़के वालों को लड़कियां दिखाई जाती है और फिर उन लड़कियों की नकली दस्तावेज बनाई जाती है और फिर उन्हीं की जात की या धर्म की दिखाकर उनसे शादी करवा देते हैं।
शादी के पहले बहुत सारे गिफ्ट्स थकते थे और अगर एक बार शादी तय हो गई तो मोटी रकम ले लेते थे और फिर शादी के बाद रोज झगड़ा करते थे, रोज कुछ दिन समझने का नाटक भी करते हैं, फिर वो शादी के जेवर लेकर घर से भाग जाती है, हमारे वो फर्जी घर, और फिर तलाक की मांग करते हैं। हमसे पीछा छुड़ाने के लिए रजामंदी करके हमें तलाक दे देते हैं और बदले में हमें मेंटेनेंस मिल जाता है। कुछ टेढ़े मामलों में वो आप लोग क्या कहते हो, वो होता है ना आप लोग का वो 125 वाला मुकदमा, उसमें ससुराल वाले को अंदर कर देते हैं। उस मेंटेनेंस का 20% हम लड़कियाँ रख लेती है, बाकी का वो मनोशा रखता है। और अगर कुछ टेढ़े मेढ़े होते थे ना लोग, उनके लिए हमने गुंडे भी पाल रखे थे। सब सही चल रहा था, अगर राजन से मेरी शादी हो गई होती तो ये मेरी चौथी शादी होती। बाकी दो शादियों में कोई तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ भंवर का केस थोड़ा तकलीफ वाला था। वो क्या है ना सर, इसको मेरे से थोड़ा अटैचमेंट हो गया था, मतलब प्यार हो गया था उसको मेरे से। तलाक की बात की तो ये अड़ गया, धमकी देने लगा कि अदालत लेकर जाएगा। फिर मनोज को बोलकर हमने इसके बाप को पिटवाया। अगली बार आगे जान से मार देंगे। फिर बाप के दबाव में आकर इसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया, मेंटेनेंस के पैसे भी ले लिए। पर फिर ये राजन के यहाँ टकरा गया, इसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, फिर मैंने मनोज से कहा, मनोज के आदमी ने इसे बहुत पीटा। मैंने सोचा ये मान जाएगा, लेकिन नहीं, ये नहीं माना। मुझे लगा मेरे नकली दस्तावेज देखकर और राजन से झगड़ा करने के बाद ये समझ जाएगा, लेकिन 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 क्या क्या लेकिन क्या लेकिन तुम ये बोल रही हो, कुछ संगत जिंदगी भर रहे थे, शादी की बात कर, देख रहा शादी की बात कर, शादी का मतलब तो पता चलो क्या होता है, शादी 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 के एक इंसान के लिए जिंदगी भर का फैसला होता है, शादी को धंधा बना के रखा हुआ है यार। क्या नहीं दिया यार इसको, कोई कमी नहीं होने दी। फिर पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, पूरा घर बर्बाद कर दिया इसने मेरा। यार मेरे भाई ये जानवर है, तू तो जानवर नहीं है, इसको इसकी सजा कानून दे दे। पर मेरे दोस्त तूने बहुत बड़ी बर्बादी से मुझे बचा लिया, तेरा जिंदगी भर मैं शुक्रिया अदा करते रहूंगा। अगली बार दोनों साथ ही में शादी कर लेंगे। अपना ख्याल रखना और संभल के जाना। एंड थैंक्स वंस अगेन, तू सच्चा दोस्त है यार, संभल के जाना, ख्याल रखना, चलो। अच्छा अंकल जी, थैंक यू वेरी मच दोस्त। बेटा हमें लगा था कि हमारे बेटे ने कैसा दोस्त बनाया है, पर अब दुआ करती हूँ कि सबको तुम जैसा दोस्त मिले। ध्यान रखिएगा अपना, चल चल चल, आराम से जाना। हाँ सीआरपीसी यानी के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125, ये ससुराल में प्रताड़ित होने वाली महिलाओं के हक में की गई एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अलग होने के बाद पति को पत्नी को मासिक भत्ता देना पड़ता है। लेकिन अफसोस कुछ लालची और शातिर महिलाएं कानून के इस हथियार का इस्तेमाल सीधे साधे लोगों को लूटने के लिए कर रही हैं और उनके इस लालच को साजिश की शक्ल देती हैं ठग एजेंसियां जिनके झांसे में भंवर और राजन जैसे ना जाने कितने लोग आ जाते हैं। नीतू के बयान के बाद मनोज शाह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन सभी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा चला और उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई धोखाधड़ी के आरोप में। दोस्तों शादी एक ऐसा रिश्ता है जो आपके जीवन के नए चरण, आपके नए भविष्य की बुनियाद है, इसीलिए ये रिश्ता बनाते वक्त सोच समझ से काम लें, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना भी जरूरी है कि सभी मैरिज ब्यूरोज को शक की निगाह से देखना ठीक नहीं, हम आपको सिर्फ उन फर्जी और ठग संस्थाओं से आगाह करना चाहते हैं जो लोगों को शादी के नाम पर साजिश के बंधन में बांधती है, इसीलिए
मनोज शाह और नीतू जैसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।